वेलकम ऑनलाइन क्लासेस बीसेप एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल महाराज। टुडे आई विल बी डिस्कस क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर सेकेंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट का ये रिवीजन क्लास में आज हम लोग बात करेंगे राइट हैंड थम्स रूल। तो राइट हैंड थम्स रूल क्या है? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए कंडक्टर इज गिवन बाय द राइट हैंड थम रूल। इट स्टेट दैट इफ ए करेंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्प इन द राइट हैंड सच दैट द थम्स पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द करेंट देन द फिंगर रैप अराउंड द कंडक्टर सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। तो अब कह रहा है कि जैसे मान लो कि यह एक वायर है और इस वायर को हमने राइट हैंड से पकड़ा और थंब को यानी करेंट का डायरेक्शन हमने ऊपर की तरफ दिखाया। तो दैट मीन्स और हमारे जो चार अंगुली हैं दे आर द टर्न, यह कैसे मुड़ रहे हैं? दे आर द टर्न अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक वाइज। एक क्लॉक का जो मोशन होता है उसके अपोजिट टर्न हो रहे हैं। एंड दैट मीन्स व्हेन करेंट बी फ्लो इन ए वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन देन मैग्नेटिक फील्ड आर मेकिंग एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। उस केज में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? एंटी क्लॉक वाइज होगा। लेकिन यही इस फिगर को अगर हम ऐसे कर दें और डाउनवर्ड कर दें तो ग्रिपिंग ऑफ फोर फिंगर, ये हमारे जो चार उंगली हैं इसका जो ग्रिपिंग है वो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में आ गया। तो अब इसमें हो गया कि अगर करेंट करेंट भी मूव इन अपवर्ड देन मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज एंटी क्लॉक वाइज। लेकिन यही फिगर अगर हम करेंट के डायरेक्शन को डाउनवर्ड कर देते हैं तो दे आर द टर्निंग क्लॉक वाइज। तो दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करेंट। अब इसमें है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करेंट कैरिंग इन ए सर्कुलर लूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका होता है कि अगर मान लो किसी सर्कुलर लूप में हैं तो सर्कुलर लूप में हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो जैसा कि इसमें फिगर में दिया हुआ है कि मान लो कि हमने एक एक सर्कुलर लूप ले लिया ठीक। अब करंट हमने इधर से इन्वर्ट किया और इसका एक हमने मिडल रो ले लिया। तो इस वायर पर हमने बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को शो किया। तो चूंकि यहाँ पे करंट डायरेक्शन देखो क्या है, ऊपर की तरफ है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया, तो इन दिस केस सर्कुलर कॉइल कैरिंग ए करंट कंडक्टर। तो इसमें चूंकि करंट फ्लो हो रहा है तो अब यहाँ पे हमने दो इन इसको स्ट्रेट लाइन ड्रा करके इसको दो पार्ट में ड्रा कर दिया। तो चूंकि यहाँ पे हमारा करंट का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है, तो अभी हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि अगर करंट का डायरेक्शन अगर अपवर्ड डायरेक्शन है तो इन दिस केस द मैग्नेटिक फील्ड इज द मेकिंग एंटी क्लॉक वाइज। और वहीं दूसरे फेज में अगर हम आते हैं तो अब यहाँ पे चूँकि अब डाउनवर्ड का कंडीशन हो गया तो यहाँ पे जो कंडीशन होगा वो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। तो ऑन दिस बेसिस वी आर डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए सर्कुलर लूप एंड इन दिस केस दे आर द मेकिंग द पोल। और इसी बेस पर हम इसके पोल का प्रिपरेशन करते हैं। तो टुवर्ड द करेंट आर्क्स ऑफ द सर्किल बिकम ए लार्जर एंड अपीयर ए स्ट्रेट लाइन। और फिर मिड पॉइंट पर आते आते क्या हो जाएगा, यह स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें वाला पॉइंट दिया है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करेंट इन ए सोलेनाइड, कि हम सोलेनाइड में मैग्नेटिक फील्ड का टर्म कैसे डिफाइन करते हैं। तो कह रहा कि ये सोलेनाइड इज ए सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। When current flows through a solenoid, it behaves like a bar magnet. The ends of solenoid behave like the north and south pole of a magnet. And this magnetic field produced by a solenoid is the similar to be the magnetic field produced by a bar magnet.
द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द करेंट एंड द नंबर्स ऑफ टर्न ऑफ क्वाइल। तो ऐसे केज में कह रहा है कि सोलेनाइड क्या है, तो सोलेनाइड बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। अब बनाते कैसे हैं, तो सोलेनाइड को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो इसमें हम बता रहे हैं कि हम एक यूनिफॉर्म रॉड लेते हैं, सर्कुलर रॉड लेते हैं। दे आर द मेकिंग द नंबर्स ऑफ टर्न, इस पर हम इंसुलेटेड कॉपर वायर के टर्न को लगाते हैं और इसके एंड को हम बैटरी से जोड़ देते हैं। ये हमारा फिगर इसमें आ गया। तो अब इसमें दिया हुआ है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वह किस पे डिपेंड करता है। तो पहले तो आई पे डिपेंड करता है कि इस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, फिर डिपेंड करता है कि नंबर्स ऑफ टर्न ऑफ क्वाइल, कि उस पर जो इंसुलेटेड कॉपर वायर का हमने जो टर्न बनाया है, क्वाइल बनाया है, वो कितना बना हुआ है। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि जहाँ से हम करंट को इन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जहाँ पे हम करंट को इन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब इस पर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रा कर रहे हैं, तो अब इस फेज में आया कि देखो यहाँ से अपवर्ड करंट है, यहाँ पे फिगर देखो, तो जहाँ पे अपवर्ड करंट होगा तो उस फेज को हम क्या कहेंगे, साउथ पोल कहेंगे, और जहाँ से डाउनवर्ड फेज होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो इन साइड, जिस साइड से हम करंट को प्रोवाइड करते हैं अपवर्ड फेज में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कन्वर्टेड इंटू द ए नियरली यूनिफॉर्म फील्ड इन द ए कंटेनर ऑफ ए लॉन्ग सोलेनाइड, दिस फील्ड आउटसाइड इज द वीक एंड डाइवर्जेंट। तो कह रहा है कि ऐसे में जब चेंज होगा, तो जहाँ पे हम करंट का अपवर्ड डायरेक्शन लेंगे उस साइड को हम क्या लेंगे, साउथ पोल लेंगे, और जहाँ पे हम इनवर्ड लेंगे वहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम दिखाएंगे कि दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, चूँकि यह बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी है कि जब भी फील्ड लाइन उसका प्रिपेयर होगा तो वह नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेगा। तो इस तरह से यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोलेनाइड, हाउ टू प्रिपेयर ए सोलेनाइड एंड व्हाट इज वर्क एंड डिफाइन द पोल ऑफ द सोलेनाइड। तो सोलेनाइड के पोल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, उस पर मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे ड्रा करते हैं, इसका डिस्कशन हो गया। अब इसमें आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पे। तो ए स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनाइड कैन बी यूज टू द मैग्नेटाइज ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक ए सॉफ्ट आयरन when placed inside the coil, such a magnet is called electromagnet। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम करते क्या हैं, तो इसमें कह रहा है कि जो सोलेनाइड हम प्रिपेयर करते हैं, तो सोलेनाइड के इन साइड में एक सॉफ्ट आयरन रख दिया जाता है, जिसके कारण वह सॉफ्ट आयरन का मैग्नेटाइज होता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑब्जर्व बाई दिस रॉड एंड दे आर द कन्वर्टिंग द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। If electric current is the pass through a wire would around a piece of the soft iron, it behave like a magnet। तो अब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट तभी तक एक मैग्नेट का बिहेव करेगा जब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, पास होगा, यानी जब तक इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तब तक तो यह सोलेनाइड हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा काम करेगा, लेकिन जो ही हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को ऑफ कर देंगे तो दैट मीन्स दे आर नॉट बिहेव ए मैग्नेट, तब उसका वर्क जो है एक मैग्नेट की तरफ नहीं होगा। इस तरह की एक एक्टिविटी दिया हुआ है, जैसे एक कील ले लेते हैं, कील पे इंसुलेटेड कॉपर वायर को राउंडिंग करके उसके टर्मिनल को बैटरी से जोड़ देते हैं और एक टर्मिनल के पर एक ब्लेड लगा करके थोड़ा सा गैप करते हैं, जो ही हम स्विच को ऑन करते हैं जब इसमें करंट बनता है तो ये क्या होता है, एक चिपक जाता है, और जो ही आप करते हैं क्या होता है, छूट जाता है। तो इसका मतलब ज्वाइंट होने मतलब क्या हो गया, दिस बिहेव लाइक ए मैग्नेट, यानी जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई था, जब तक सर्किट हमारा कंप्लीट था, तब तक तो इसमें करंट पास हो रहा था और यहाँ पे एक मैग्नेटिक बिहेव काम करेगा, छोटे छोटे आयरन फिलिंग को अपने तरफ क्या अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जो ही हम इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर देंगे तो इसमें क्योंकि जो सर्किट होगा वह ओपन हो जाएगा, और जब सर्किट ओपन होगा तो इसमें तब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब क्या कि ए बार मैग्नेट, दे आर द बिहेव लाइक ए मैग्नेट बाय इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट से जब वह मैग्नेट का बिहेव करता है तो उस टर्म हम उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। अगर हमारे इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट्स के विदाउट उसमें अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है तो दैट मीन्स दे आर द नोन एज ए ओनली ए सॉफ्ट आयरन रॉड्स आर द सॉफ्ट आयरन सिलेंडर का होता है।
थैंक यू स्टूडेंट्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड द नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस द सम अदर टर्म्स ऑफ द सेकेंड चैप्टर्स।